हेलो गाइस, वेलकम टू कदियम इंडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नीट पीजी 2024 सीट इंक्रीमेंट। एक्चुअली इसी से रिगार्डिंग एक एनएमसी की नोटिस आई, नोटिफिकेशन आई ऑन 21 जून 2024, जिसमें नीट पीजी सीट्स को बढ़ाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है। एक्चुअली 301 एप्लीकेशंस को फाइनल डिसीजन एनएमसी मार्क के थ्रू दी गई है, और इन 301 एप्लीकेशंस जो जिन कॉलेजेस के तरफ से भेजे गए हैं उन कॉलेजेस को से कम्युनिकेट किया गया है थ्रू ईमेल आईडी। उन्हें मेल आईडी के थ्रू उनके फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करनी है टू गेट द अप्रूवल फॉर इंक्रीमेंट ऑफ सीट एज वेल एज फॉर स्टार्टिंग न्यू पीजी मेडिकल कोर्सेज, वो इंस्ट्रक्शन मेल के थ्रू भेज दी गई है। अगर हम बढ़ती हुई सीटों की बात करें तो अलग अलग फेजेस में इस तरीके की बंच ऑफ एप्लीकेशंस को अप्रूवल आई मीन उन पर फाइनल डिसीजन लेकर के जो रेलेवेंट कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को ईमेल के थ्रू उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करनी है वो भेजी जा रही है। ये जो 301 एप्लीकेशंस, ये जो फेज जिसमें थ्री जो जो करंट फेज है इसमें 301 एप्लीकेशन के ऊपर में फाइनल डिसीजन लिया गया। इससे पहले अगर हम देखें तो टोटल 9 फेजेस हो चुकी है। ये जो फेज है ये 9th फेज है, मतलब इससे पहले और 8 फेजेस में इसी तरीके के बंच ऑफ एप्लीकेशंस को अप्रूवल दी गई थी, जिसमें टोटल 1077 एप्लीकेशन को अप्रूवल दी गई थी इन प्रीवियस 8 फेजेस। और ये जो है 9th फेज, इसमें 301 एप्लीकेशंस को अप्रूवल आई मीन फाइनल डिसीजन उन पे लेकर के उन्हें मेल पे फर्दर इंस्ट्रक्शन भेजे गए हैं। अब ये किस चीज के लिए है? इसमें सिंपल है कि कुछ कॉलेजेस जिसमें डिपार्टमेंट नहीं है और वो न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट है बट वो सीट्स को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन है। सो ये दोनों की एप्लीकेशन। अब किस किस कॉलेज में इस बार न्यू ब्रांचेस आ सकती है इस फेज में, ये जो 300 एप्लीकेशंस जिन्हें जिन पर फाइनल डिसीजन ली गई है, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें कौन कौन सी क्लिनिकल ब्रांचेस एमडीएमएस की आ सकती है, और कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लिनिकल ब्रांचेस है बट उनमें सीट्स बढ़कर आती है, इसकी कंप्लीट लिस्ट हम देखेंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो इससे पहले जिन पर फाइनल डिसीजन लेकर के उन कॉलेजेस से कम्युनिकेट की गई वो टोटल 1077 थे, जिसमें न्यू मेडिकल कोर्सेज जो जिन कॉलेजेस में डिपार्टमेंट नहीं है और वो किसी डिपार्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वैसे 806 एप्लीकेशंस पर फाइनल डिसीजन लेकर के उन्हें फर्दर इंस्ट्रक्शंस भेजी गई है। और 271 एप्लीकेशंस ऐसे थे जिनमें डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बट उन्होंने सीट इंक्रीमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाला, तो उनकी सीट्स जो है वो बढ़ करके इस बार आ सकते हैं। उस पर फाइनल डिसीजन 271 एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन लेकर के उन कॉलेजेस से कम्युनिकेट किया गया। ये पहले की बात है। इस फेज में जो टोटल 301 एप्लीकेशंस है उसमें 168 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, दैट इज कि डिपार्टमेंट नहीं है तो डिपार्टमेंट की डिमांड की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, उसके लिए अप्रूवल मांगी गई है। और 133 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है बट उन डिपार्टमेंट में सीट्स बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भेजी गई है। तो 1077 प्लस 301 आप करोगे तो टोटल एप्लीकेशन अभी तक की जो है वो हो जाएगी। अब ये जो 301 एप्लीकेशन है इसमें कौन कौन से कॉलेजेस ने न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करने की बात की है, कौन कौन से ब्रांच में की है, और कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांच में सीट्स बढ़ाने की डिमांड की, इसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले एमडी एनेस्थीसिया की बात करें, मैं सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैथोलॉजी को कवर की जाएगी, इसके अलावा जितने भी ब्रांचेस हैं वो इसमें कवर नहीं है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दी जाएगी, उसको आप चेक कर लेना। सो एनेस्थीसिया की बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ न्यू पीजी कोर्सेज जिन कॉलेजेस में ये डिपार्टमेंट नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, और उन्हें स्टार्ट करने की बात की जाती है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी, थर्ड वन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबनगर, फोर्थ वन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान, फिफ्थ वन जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलकाता, सेवंथ वन राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, देन एट्थ वन
श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड द नाइन्थ वन इज सेंट पीटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बट सीट्स बढ़ाने की डिमांड की गई है? वो फर्स्ट वन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, ठीक है। सेकेंड वन इज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। थर्ड वन इज करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ। फोर्थ वन इज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी। फिफ्थ वन इज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ महाराष्ट्र, किम्स कराड़। देन श्री मनकुला विजयनगर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल पौंडीचेरी। एंड सेवन्थ वन इज सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। ये एनेस्थीसिया की बात हुई। डर्मा की बात करें तो जिनमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है वो है ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर। सेकेंड वन इज गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। थर्ड वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी। फोर्थ वन इज श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देन फिफ्थ वन इज सेंट पीटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सेवन्थ वन इज जाइडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दाहोद गुजरात। और किसमें किसमें डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही डर्मेटोलॉजी की बट सीट्स बढ़कर आ सकती है वो है, फर्स्ट वन इज करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ, चेन्नई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। थर्ड वन इज मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी। फोर्थ वन इज एमबीजे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल। फिफ्थ वन इज रंगराया मेडिकल कॉलेज काकीनाड़ा। सेवन्थ वन इज संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद यूपी। फिफ्थ वन देन श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज एंड पीजी इंस्टीट्यूट इंदौर। सेवन्थ वन इज श्री मनकुला विजयनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पौंडीचेरी। सुभरती मेडिकल कॉलेज मेरठ। वरुण अर्जुन शाहजहांपुर यूपी। इनमें सीट्स बढ़कर आ सकती है। नाउ इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें कि न्यू डिपार्टमेंट आ रही है? वैसे तो ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जिसमें जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है, आई मीन जो जिन्हें इस फेज में जो जिन पर डिसीजन लिया गया है इस 300 एप्लीकेशन में, इमरजेंसी मेडिसिन की ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जिनमें सीट बढ़कर आ सकती है, बट जो प्रीवियस फेजेस हैं उसमें जरूर बढ़कर आ रही हैं। बट इसमें कॉलेजेस हैं जिनमें इमरजेंसी मेडिसिन की डिपार्टमेंट स्टार्ट हो सकती है इस बार, वो कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, चेन्नई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इरुंगलुर त्रिची, देन दत्ता मैगे मेडिकल कॉलेज नागपुर। देन दत्ता मैगे मेडिकल कॉलेज हो चुका है। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, देन गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, कृष्ण मोहन के एम मथुरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मथुरा, कुर्नूल मेडिकल कॉलेज कुर्नूल, एसवी मेडिकल कॉलेज तिरुपति, मनकुला विजयनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पौंडीचेरी, एंड श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर। तो इनमें इमरजेंसी मेडिसिन की न्यू ब्रांच इस बार आ सकती है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है वो कौन कौन सी है? ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर, जीमस मेडिकल कॉलेज गोत्री वडोदरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओंगोल प्रीवियसली नोन एज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओंगोल, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान और श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर। और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें जनरल मेडिसिन की सीट्स बढ़कर आ सकती है? वो है चेन्नई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इरुंगलुर त्रिची, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल कोलकाता, कल्पग्गा विनायगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रंगथगम, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स कराड़, कुर्नूल मेडिकल कॉलेज कुर्नूल, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी यूपी, एमबीजे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बैंगलोर, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद यूपी, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम, देन श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज एंड पीजी इंस्टीट्यूट इंदौर, देन सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर डॉक्टर ब्राम टीचिंग हॉस्पिटल अगरतला,
वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज बांथरा शाहजहांपुर यूपी। सो इनमें जो जनरल मेडिसिन है उसकी सीट्स बढ़कर आ सकती है। पीडिया की बात करें तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें जो डिपार्टमेंट न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है, वो है दत्ता मैके नागपुर, ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, देन जीमस मेडिकल कॉलेज वडोदरा, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबनगर, देन जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल कोलकाता, देन शांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली, देन श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर, देन त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड ब्राह्म टीचिंग हॉस्पिटल अगरतला, एंड जायदस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें जो सीटें हैं पीडिया की वो बढ़कर आ सकती है? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, चेन्नई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर त्रिची, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ किम्स कराड़, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी, एमबीजे मेडिकल कॉलेज रिसर्च हॉस्पिटल बैंगलोर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली SRMS बरेली, श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज एंड पीजी इंस्टीट्यूट इंदौर, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, देन यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इटावा, यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज बांथरा शाहजहांपुर यूपी। न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो सिर्फ अमृता इंस्टीट्यूट अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस कोची में इसकी सीट्स बढ़कर आ सकती है। एमडी पैथो की बात करें तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें डिपार्टमेंट आ सकती है, वो है दत्ता मेघे नागपुर, ईएसआईसी गुलबर्गा, केएम सिटी मेडिकल कॉलेज कोचिकोड कैलीकट, देन शांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेंट पीटर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें पैथोलॉजी की सीट्स बढ़कर आ सकती है, वो है जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा और अरबिंदो मेडिकल कॉलेज जो इंदौर की कॉलेज है। देन साइकेट्री की बात करें तो किसमें किसमें न्यू डिपार्टमेंट आ सकती है, ईएसआईसी बैंगलोर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी, कारवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कारवार, शांताबाद मेडिकल कॉलेज अमरेली, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर। और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें डिपार्टमेंट में सीट बढ़कर आ सकती है सेक्रेटरी की, वो है एमबीजे बैंगलोर, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, एसआरएमएस श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली, एंड सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। पल्मोनरी मेडिसिन दैट इज अगर हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो किसमें किसमें डिपार्टमेंट न्यू स्टार्ट हो सकती है, ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर, ईएसआईसी गुलबर्गा, गजराज राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हसन, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल कोलकाता। और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, एक मिनट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी आ रही है, शांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली में भी आ रही है, और श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी आ रही है, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो है सीट वो बढ़कर आ रही है, गुंटूर मेडिकल कॉलेज गुंटूर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, एसआरएमएस बरेली, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, एंड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद यानी गुजरात। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जिसमें डिपार्टमेंट आ रही है वो है गजराज राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर एंड हिंद इंस्टीट्यूट बाराबांकी। रेडियो की बात करें तो किसमें किसमें न्यू डिपार्टमेंट आ रही है, दत्ता मेघे नागपुर में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निजामबाद में आ सकती है, कृष्ण मोहन मथुरा में आ सकती है, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में आ सकती है, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर में आ सकती है, सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ सकती है, विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आ सकती है। और किसमें किसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है, अमृता इंस्टीट्यूट कोची में बढ़ के आ सकती है, चेन्नई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर त्रिची में आ सकती है, जगन्नाथ गुप्ता कोलकाता में आ सकती है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ किम्स कराड़ में आ सकती है महाराष्ट्र, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी यूपी में आ सकती है, एमबीजे बैंगलोर कर्नाटका में आ सकती है, एसआरएमएस बरेली यूपी में आ सकती है, अरबिंदो इंदौर एमपी में आ सकती है, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ यूपी में आ सकती है, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर यूपी में आ सकती है। ओबीजीवाई की बात करें तो जिसमें न्यू डिपार्टमेंट आ रही है वो दत्ता मेघे नागपुर में आ सकती है, जीमस वडोदरा में आ सकती है, श्री
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यपेट में आ सकती है, जगन्नाथ गुप्ता कोलकाता में आ सकती है, संतबा मेडिकल कॉलेज अमरेली में आ सकती है, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आ सकती है, और जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है ओबीजी की वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर यूपी में आ सकती है, चेन्नई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में आ सकती है, गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद में आ सकती है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आ सकती है, यूपी करपगा विजय विनायगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करपगा में आ सकती है, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बांकी में आ सकती है, एमबीजे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बैंगलोर में आ सकती है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा शारदा ग्रेटर नोएडा में आ सकती है, एसआरएमएस बरेली में आ सकती है, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च कांचीपुरम में आ सकती है, अरविंदो इंदौर में आ सकती है। ईएनटी की बात करें तो जिसमें डिपार्टमेंट आ सकती है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू में आ सकती है, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यपेट में आ सकती है, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आ सकती है, सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ सकती है, और जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है वो है बुंदेलखंड सागर में आ सकती है, करियर इंस्टीट्यूट यूपी लखनऊ में आ सकती है, चेन्नई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च में आ सकती है, हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हसन में आ सकती है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी में आ सकती है, एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर कर्नाटका में आ सकती है, श्री राममूर्ति बरेली एसआरएमएस बरेली यूपी में आ सकती है, श्री सत्य सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च कांचीपुरम में आ सकती है। सर्जरी की बात करें तो जिसमें न्यू डिपार्टमेंट सर्जरी की आ सकती है वो कौन कौन सी है, ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर में आ सकती है, जीमस वडोदरा में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान में आ सकती है, जवाहर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में आ सकती है, राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा में आ सकती है, देन श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में आ सकती है, सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आ सकती है, और जिसमें जनरल सर्जरी की सीट्स बढ़कर आ सकती है वो है चेन्नई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर त्रिची में आ सकती हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी में आ सकती है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ किम्स कराड़ में आ सकती है, मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी में आ सकती है, एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर कर्नाटका में आ सकती है, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद यूपी में आ सकती है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज शारदा ग्रेटर नोएडा में आ सकती है, एसआरएमएस बरेली मेडिकल कॉलेज एसआरएमएस श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली यूपी में आ सकती है, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च कांचीपुरम में आ सकती है, अरविंदो मेडिकल कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट इंदौर एमपी में आ सकती है, श्री मनकुला विनायगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पौंडीचेरी में आ सकती है, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में आ सकती है, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इटावा में आ सकती है, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में आ सकती है। ऑप्थल की बात करें तो जिसमें डिपार्टमेंट आ सकती है न्यू डिपार्टमेंट इस बार स्टार्ट हो सकती है वो है दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर में आ सकती है, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बालपेट आसाम में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खांडवा एमपी में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूबनगर में आ सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान में आ सकती है, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में आ सकती है, कारवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कारवार में आ सकती है, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आ सकती है, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड ब्राह्म टीचिंग हॉस्पिटल अगरतला में आ सकती है, जाइडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दाहोद गुजरात में आ सकती है, और जिसमें जिसमें सीट्स बढ़कर आ सकती है वो चेन्नई मेडिकल कॉलेज चेन्नई त्रिची में आ सकती है, हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हसन में आ सकती है, हेरिटेज वाराणसी में आ सकती है, मायो बाराबांकी में आ सकती है, एमबीजे बैंगलोर में आ सकती है, सिंध एसआरएमएस बरेली यूपी में आ सकती है, तो इनमें सीट जो है अब तक की बढ़ के आ सकते हैं। लास्ट एक और ऑर्थो की देख लेते हैं जिसमें डिपार्टमेंट जो है वो न्यू इस बार स्टार्ट हो सकती है वो दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर दत्ता मेघे नागपुर में आ सकती है, ईएसआईसी गुलबर्गा में आ सकती है, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बारपेटा आसाम में आ सकती है, जीएमसी डूंगरपुर में आ सकती है, जीएमसी खांडवा एमपी में आ सकती है, जीएमसी पाली राजस्थान में आ सकती है, सांताबा मेडिकल कॉलेज अमरेली में आ सकती है, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आ सकती है, सेंट पीटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ सकती है, और जिसमें जिसमें जो ऑर्थोपेडिक्स की सीट्स बढ़कर आ सकती है जिसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट है बट सीट बढ़ के आ सकती है वो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में आ सकती है, चेन्नई मेडिकल कॉलेज त्रिची में आ सकती हेरिटेज वाराणसी में आ सकती है, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबांकी में आ सकती है, जगन्नाथ गुप्ता कोलकाता में आ सकती है, करपगा विनायगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
मधु रंगथम में आ सकती है, देन मायो बाराबंकी में आ सकती है, एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में आ सकती है, और शारदा ग्रेटर नोएडा में आ सकती है, श्रीमनकुला विनायगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी आ सकती है। तो ये हुई क्लिनिकल ब्रांचेस की बात। इसके अलावा नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की जो है वो कंप्लीट लिस्ट दी गई है, आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, एनएमसी की वेबसाइट पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। और उसमें ये भी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें डीएम की सीट्स, एमसीएच की सीट्स बढ़ रही है, जो कि आपको एक डिसीजन लेने में फायदे कहीं ना कहीं कर सकती है कि किस में डीएम की सीट आई है तो हम एमडी के लिए कौन कौन सी ब्रांच किस इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम काउंसलिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे फिल कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू कॉन्टैक्ट विद अस फॉर काउंसलिंग रिलेटेड सर्विसेज। एट द सेम टाइम जो हमारी वेबसाइट है www.careermedia.ai, उसे भी आप चेक कर सकते हैं फॉर लास्ट ईयर डेटा या 2022 की डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो, वो सभी चीज़ें, या फिर कॉलेज प्रिडिक्टर, रैंक प्रिडिक्टर वगैरह आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे मिल सकती है, तो वो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।